Hey guys, this is Shamim and welcome back to my channel KibaKibi. So हुआ ये था कि I was running out of ideas कि कैसे videos बनाने चाहिए, क्या videos बनाने चाहिए. तो मैंने एक poll डाला था कि I was going through YouTube, तो मैं अचानक से एक बार ऐसे stumble upon हुआ, शक्तिमान के दो तीन episode देखे मैंने. तो मैंने उस poll में पूछा कि अगर मैं शक्तिमान का एक VFX breakdown बनाऊँ तो आप लोग interested होगे क्या. तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने बोला कि बनाइए, देखेंगे हम लोग. तो आज का video उसी के ऊपर है, ब्रेकिंग डाउन शक्तिमान VFX. Stay tuned. Andhera sab kuch kaam hoga. Adbhut adamya sahas ki paribhasha hai. Mere ke hai तो शुरू करने से पहले दो चीजें मैं बता देना चाहता हूँ. फर्स्ट इज कि आई एम नॉट अ VFX आर्टिस्ट, मतलब मेरा स्पेशलिटी VFX नहीं है. मैं बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग, एडिटिंग, आजकल मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे बिहाइंड द कैमरा भी मैं काम करने लग गया हूँ, बट मोर ऑर लेस मैं VFX बैकग्राउंड से नहीं हूँ. बट दैट इज द होल पॉइंट, क्योंकि जब मैं उस दिन शक्तिमान के एपिसोड देख रहा था, सो आई फेल्ट कि इट्स बीन 23 ईयर्स जब शक्तिमान बना था, एंड दैट टू ऑन अ दूरदर्शन सीरियल बजट. मैं कोई जजमेंटल वो नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत ही बेसिक VFX है जो आप प्रीमियर प्रो या फिर वेरी बेसिक सॉफ्टवेयर में ही आप लोग कर सकते हो, जो शुरू में था, मतलब पहले था वैसे VFX. और दूसरी बात ये कि मैं एक बहुत बड़ा शक्तिमान का फ़ैन हूँ. आई एम अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ शक्तिमान, बिकॉज आई फील शक्तिमान का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है मेरी ज़िंदगी में. सो थोड़ा बायस्ड हो सकता है, यही एक डिस्क्लेमर डालना चाहता था. तो शुरू करते हैं विद द इंट्रो. यहाँ पे देखिए ना, जब शक्तिमान आके ही स्टैंड्स देयर, तो फ्रेम पॉज हो जाता है और वो पता चलता है कि फ्रेम पॉज हो रहा है. कि अगर मुकेश खन्ना थोड़ा सा भी ऐसा हिलता ना, तो क्या होता, उनको वो पूरा मास्क आउट करना पड़ता, दैट इज़ लाइक एक्स्ट्रा वर्क. तो इसीलिए उन लोगों ने शक्तिमान आके खड़े होने के बाद उस फ्रेम को ही पॉज कर दिया और उसके अराउंड ये तीन सर्कल किए, क्योंकि ये तीन सर्कल तो मतलब अराउंड हिम है ना, मतलब पीछे से आके सामने से आके ऐसे चला जाता है, दैट इज़ वाई दे हैड टू पॉज इट. ये तो क्लासिक, मतलब एक ही क्लिप को लेके ग्रीन स्क्रीन में शूट करके फिर इसको चार कर दिया. ये सब तो आप लोग को पता है, मतलब ग्रीन स्क्रीन, अगर किसी ने भी क्रोमा की यूज किया है तो क्रोमा करके किसी भी चीज को आप ग्रीन स्क्रीन हटाने के बाद उसको आप स्केल करके छोटे से बड़ा वैसा ही कर सकते हो. तो ये भी सेम है, मतलब एक ब्लास्ट सिमुलेशन को एक ले लिया एंड शक्तिमान को उधर स्केल करके छोटे से बड़ा करके उसको निकाल के लेके आ गए. ये 3D भी ना इतना बेसिक 3D है, मतलब वहाँ पे ना तो कुछ वो है, बट दे वर जस्ट ट्राइंग टू कन्वे व्हाट्स हैपनिंग, मतलब जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था दे वर जस्ट गोइंग विथ इट. मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग अब दिख कैसे रहे हो, आपका बैकग्राउंड कैसा, ये हर चीज़ ना एक विजुअल लैंग्वेज होता है, जो आप लिखते हैं ना वो लैंग्वेज अलग होता है एंड द विजुअल लैंग्वेज इज़ वेरी डिफरेंट. ये लोग क्या थे, जो लिखा हुआ था कि एक प्लेटर रहेगा, मतलब एक स्प्लैट रहेगा, उसमें से एक बॉडी निकलेगा विच विल बिकम शक्तिमान,
तो दे वर जस्ट गोइंग विथ इट, मतलब जो लिखा हुआ है वही दिखना चाहिए। तो एडिट लेयर कुछ नहीं था कि यहाँ पे थोड़ा कलर करेक्शन या फिर मे बी, पता नहीं, आई हैव नो आइडिया कि क्या बजट था, बट दीज थिंग्स ब्लू माई माइंड व्हेन आई सॉ दीज थिंग्स ना, क्योंकि उस टाइम पे ना तो इंटरनेट उतना था ही नहीं, कहाँ पे इंटरनेट था ही। लोग बोलते हैं कि सुपरमैन से मारा हुआ है, मैंने तो कभी सुपरमैन देखा नहीं था, ना तो एक्समैन दिखा था, कुछ भी नहीं दिखा था। मतलब शक्तिमान के बाद सीधा स्पाइडरमैन देखे हम लोग, टॉबी मैगवायर जो पहला वाला स्पाइडरमैन था वो देखे थे, ये सब उससे भी पहले है। सो दीज थिंग्स ना जस्ट ब्लू माई माइंड जब मैं देखा था उस टाइम पे। ये भी आप लोग को पता ही है क्या हुआ होगा, वो जो बॉम्ब है, ये बॉम्ब को 3D में बनाया ऑब्वियसली, मतलब ये तो मुझे लगता नहीं कि माया या फिर कुछ तो यूज़ किया होगा। ये जो पेड़ वेड़ आप लोग को दिख रहा है वो जहाँ बस कैमरा रख के उसको शूट करके, एवरीथिंग इज कम्पोजिटिंग। यहाँ पे ना कुछ भी ऐसा ट्रिकी कुछ भी किया नहीं है उन लोगों ने, बस एक प्लेट लिया उसके ऊपर लेयर्स पे लेयर्स डालते गए। तो ये इफेक्ट तो इसका नाम प्लास्टिका था शायद, ये जो विलेन है, सो बेसिकली प्लास्टिक पोल्यूशन से वो बनता है, ऐसा कुछ तो था। मैंने बोला ना जो लिखा था, लिखा होगा कि अ मैन मेड ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, तो उन लोगों ने मे बी शायद प्लास्टिक पहना के कुछ तो ट्राई किया होगा, बट इट वॉज नॉट लुकिंग गुड। सो उन लोगों ने बस एक ग्रीन स्क्रीन, मतलब ग्रीन सूट पहना के किसी को खड़ा कर दिया, दे शॉट इट, और बाद में उस ग्रीन स्क्रीन को रिप्लेस कर दिया एक प्लास्टिक के डंप से। उसको एक चीज़ होता है डिस्प्लेसमेंट मैप, मतलब ये जो कर्व होता है अपने चेहरे का, अपने बॉडी का, हर चीज़ का, उसका एक मैप बनता है, डिस्प्लेसमेंट मैप। तो आप अगर कोई भी टेक्सचर किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में लगाओगे ना, उसको अगर आप लोग ने डिस्प्लेसमेंट मैप के साथ लगा दिया, तो वो कर्व के साथ ना वो चीज़ आ जाएगा। मतलब मे बी मैं थोड़े सैंपल्स दिखाऊंगा आप लोग को, तो आप लोग को पता चलेगा जो मैप है वो भी आपका वो डेप्थ ले लेता है। यहाँ पे वो डेप्थ है ही नहीं, यहाँ पे ना सिर्फ ऐसा लगता है कटआउट करके वो प्लास्टिक दिखा दिया। दैट वर्क्ड एट दैट पॉइंट, दैट वर्क, बट अभी तो आई डोंट थिंक इट विल वर्क। ये जो शक्तिमान अभी बड़ा हो रहा है, एक प्लेट में टमोल्टर को लिया है, और टमोल्टर बस देख रहा है, मतलब ही इज एक्टिंग लाइक एज इफ समवन इज, मतलब कोई ऐसे बड़ा हो रहा है उधर, तो ही जस्ट एक्टिंग लाइक दैट। और एक मूवी था हरक्यूलिस करके, मतलब बहुत पुराना मूवी है, इंग्लिश मूवी है हरक्यूलिस, वहाँ पे भी ये इफेक्ट किया था। लेकिन ये क्लिप आप देखिए, हाउ इफेक्टिव इज दिस, मतलब सेम उन लोगों ने क्या क्या बताया, कैमरे के सामने ना पहाड़ को पेंट करके उसको रख दिया, एंड देन कैमरे को बस एक्टर के पास लेके चले गए। सो ऐसा लगता है कि ही इज़ गेटिंग बिगर। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, क्रिएटिविटी एंड स्किल, सेम टेक्निक, स्किल सेम है। आप लोग को स्किल आता है कि कैमरा पास लेके जाओ तो एक्टर बड़ा दिखेगा ऑब्वियसली, बट कैसे करते हो दैट इज़ द मेन थिंग। मतलब ये यहाँ पे उन लोगों ने ऐसे किया, वहाँ पे उन लोगों ने ऐसे किया, एंड द इफेक्ट इज़ टोटली डिफरेंट। ये वैसे मुझे याद है, ये तो बहुत कूल था यार सच्ची में, ये वाला प्रेडेटर मूवी को कॉपी कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे प्रेडेटर्स निकलते हैं उधर, शक्तिमान को बचाना होता है, तो ही गिव्स अप हिस, ये जो उसका सूर्य होता है सन, ये गिव अप कर देते हैं और वो जाके सबको मार देता है ऐसे करके। इट वॉज वेरी लेजी राइटिंग बट इट वर्क्ड, मुझे अच्छा लगा था। ये भी कितना कूल है, मतलब अगर अब पेपर में सोचो ना ये सब इफेक्ट कितना अच्छा लगेगा, मतलब ही इज टाइड अप, बट अगेन उसी से ही मतलब आग निकल के उसको जला देगा। दिस पेपर जब आप लिखते हो ना, आप कितना एक्साइटेड हो जाओगे शायद ये सब, पर ऑब्वियसली उसके हिसाब से एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। लोगों ने पता नहीं कैच किया कि नहीं, शक्तिमान का जो कॉस्ट्यूम है वो चेंज होते रहते हैं, मतलब ये ना बहुत सारे चीज़ों में रीशूट हुआ है ये पूरा सीन। शक्तिमान का जो हीरो शॉट था वो पूरा अलग था, मतलब उसमें कॉलर्स थे, मुकेश खाना के बाल लंबे थे, देन आई थिंक दो तीन सीन में सेम, मतलब उसी कॉलर में मुकेश खाना ने शूट किया, बाकी दूसरे मुकेश खाना के क्लोजअप्स थे, वहाँ पे फिर से नया कॉस्ट्यूम आके वो किया। बट अगर आप लोगों ने ये नोटिस नहीं किया तो एडिटर हैज़ डन अ फैबुलस जॉब, मतलब उन्होंने जहाँ जहाँ पे कट करना चाहिए वो प्रॉपर, मतलब ऐसा नहीं कि आप एडिटिंग से इसको छुपा सकते हो, एडिटिंग इज डायरेक्टिंग ऑडियंसेस अटेंशन, इट्स लाइक मैजिक। मतलब आप बता दिखा इधर रहे हो लेकिन आप काम इधर कर रहे हो, तो एडिटिंग भी वैसा ही है, मतलब आप ऑडियंस का डायरेक्शन कहाँ पे, अटेंशन कहाँ पे आप डायरेक्ट कर रहे हो, दैट इज़ एडिटिंग एक्चुअली। और अगर आप लोग को ये चीज़ अच्छा लगा देन आई डिजर्व ए लाइक, आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, एंड थैंक यू सो मच। अभी हम लोग देखेंगे तो माई फेवरेट
एपिसोड ऑफ शक्तिमान, मतलब जो पहला एक्शन सीन था जो मुझे एकदम पागल हो गया था मैं वो देख के, वो हम लोग देखेंगे अभी। अगर आप लोग को याद होगा तो एक इलेक्ट्रिक मैन करके एक निकला था, सो वो निकल के आ जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एंड गीता विश्वास शक्तिमान को पुकारती है। ऑब्वियसली ये सीन ना दैट स्टिल गिव्स मी गूज़बम्प्स। ये जो अभी आप लोगों ने देखा ये स्विच, ये तो कितना सिंपल स्विच है, मतलब कैमरे को रखो, गंगाधर घुसा, देन गंगाधर चेंज करके, मतलब मुकेश खन्ना चेंज करके फिर शक्तिमान का कॉस्ट्यूम पहन के निकल के आएगा, कैमरा सेम था तो उसी पॉइंट पे कट लगाया। बट ये इतना सिंपल टेक्निक भी उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था, मतलब बहुत ज़्यादा। तो शक्तिमान को बेसिकली एक डॉली में बिठा के उसको पुश कर दिया, मतलब अगर आप लोग देखोगे ना तो वो किसी ठेले वेले टाइप के किसी चीज़ में बैठा होगा, इसलिए नीचे का नहीं दिखाते। मतलब शक्तिमान गॉट हिट बाय द इलेक्ट्रिसिटी एंड देन, मतलब मुकेश खन्ना एज अ प्रोड्यूसर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो इनिशियल एपिसोड्स थे लाइक दिस, वहाँ पे ना बहुत सारा प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज़ हुआ था, मतलब बहुत सारा। अगर आप लोग देखोगे तो ब्लास्ट्स आर रियल, जो ब्लास्ट हो रहे हैं ना वो रियल है, मतलब रेस को ऑब्वियसली एनिमेट किया गया है, बट जो रेस जो इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ वो पूरा रियल है, इसीलिए ना वो मतलब बहुत अच्छा एक फील आता है उससे। ये जो कॉस्ट्यूम है शक्तिमान का, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो कॉस्ट्यूम्स एवर डिजाइंड एंड एवर मेड। ये टाइमलेस है, आप अभी भी देखिए ना कितना हीरोइक लगता है। एंड इनिशियल में थोड़ा और हीरोइक लगाने के लिए उन लोगों ने ना जो शाइनी मटेरियल था उसको बहुत ज़्यादा शाइनिंग करके पूरा लाइट से उसको चमकाया। आप देखिए ये कितना गॉर्जियस शॉट है। देखिए शक्तिमान ऑल्सो हैज़ दीज थिंग्स, और ये सब के साथ ना आपको हीरोइक लगने के लिए यू हैव टू बी अ बिग गाय, एंड मुकेश खन्ना एक्चुअली पुल दिस ऑफ वेरी नाइसली। उन्होंने शक्तिमान ये क्रिएशन मुझे बहुत पसंद है, लाइक एडोर शक्तिमान एक्चुअली। ये पूरा सीन आप लोग प्रीमियर में ही कर सकते हो, और ये जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट आप देख रहे हो ना ये पूरा सारे ओवरले हैं, सारे ओवरले ऊपर लगा के डन विथ साउंड। सो दिस इज आई थिंक कितना थर्ड सेकेंड क्लिप हो गया, अभी थर्ड हम लोग एकदम क्विकली देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जो लास्ट एपिसोड था ऑब्वियसली। और लास्ट एपिसोड को देखने का मतलब मेरा यही है कि कहाँ से शुरू हुआ था एंड कहाँ जाके ख़त्म हुआ वाला चीज़। तो बेसिकली लास्ट एपिसोड मुझे अच्छा क्वालिटी का नहीं मिला, ये बहुत ही गंदा क्वालिटी का है, पता नहीं आप लोगों को दिखेगा कि नहीं, बट बेसिकली क्या होता है, एक सुनामी आता है मुंबई में एंड शक्तिमान ट्राइज टू स्टॉप दैट सुनामी। इस सुनामी को रोकने के लिए मुझे अपने 5 तत्वों वाले शरीर में विभक्त होना ही पड़ेगा। अभी मैं इसमें आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो 5 तत्व डिवाइड हुए, ये बेसिकली सेम मुकेश खन्ना को लेके अलग अलग डिवाइड करके वहाँ पे ओवरलेस अलग कर दिया। तो एक चीज़ होता है ओवरले, मतलब आप किसी भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर में आप लोग को मिलेगा, तो आप किसी भी लेयर को किसी भी लेयर के ऊपर रखेंगे एंड इफ़ यू प्ले विथ द ओवरलेस तो वो लेयर अलग अलग बिहेव करता है। तो वही क्या है, उन लोगों ने अलग अलग मुकेश खन्ना के ऊपर अलग अलग ओवरले लगा के उसको वो कर दिया। बट इस ट्रांजिशन में मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ईज नहीं डाला, और जब भी कोई भी एनिमेटर ईज़ नहीं डालता है ना तो मुझे बहुत ही इरिटेशन होता है। ईज़ क्या होता है, सपोज़ मैं बोलूँगा कि इस चीज़ को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, ठीक है, अगर मैं बोलूँगा कि यू हैव टू एनिमेट दिस फ्रॉम हियर टू हियर, तो अगर वो ऐसे जाएगा तो मतलब कोई ईज़ नहीं है, ऐसे यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे जाकर ख़त्म हुआ, नो ईज़। लेकिन ईज़ इन करोगे तो कैसा होगा आपका ये चीज़, मतलब शुरू हो के ज़ोर से शुरू हो के धीरे से जाके रुका, दैट इज़ ईज इन, और ईज आउट होगा धीरे से शुरू होके जोर से जाके रुका, ये वाला चीज़ ये ईज आउट। लेकिन यहाँ पे कुछ ईज ही नहीं दिया, आप देखोगे ना तो मुकेश खन्ना ऐसे जाके टक अटक जाता है, मतलब वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। शक्तिमान ने अपने जल शरीर में समुद्र के पानी को समा लिया, विशाल जल शरीर अपने ही भार से लड़खड़ा रहा है। मतलब मुकेश खन्ना का आई थिंक मोशन कैप्चर लिया होगा, देन उसको बिकॉज आई कैन सी दिस पार्ट्स ऑफ शक्तिमान इन द 3D मॉडल एज वेल।
अपने ही भार से लड़खड़ा रहा है। पता नहीं शक्तिमान शहर को बचा पाएगा या नहीं। तो बेसिकली मैं आप लोग को यही दिखा रहा हूँ कि जो 3D मैंने बोला था ना, वहां से लेके 3D यहां तक पहुंचा, मतलब विच इज सीरियल के बजट के हिसाब से बहुत अच्छा है, बिकॉज दिस इज कॉल्ड पार्टिकल सिम्युलेशन। अगर पार्टिकल सिम्युलेशन का अगर आप लोग अल्टीमेट एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो आप लोग देखिए स्पाइडरमैन 3 का ये सीन, जो सैंडमैन बनता है, ये वाला सीन आप लोग देखिए, दैट इज द लाइक होली ग्रेल ऑफ पार्टिकल एनिमेशन। एंड दिस सीन एज सो वेयर, मतलब ये इतना साल हो गया अभी, आई थिंक 2008 में निकला था, 12 ईयर्स ऑफ दिस सीन अभी भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये सीन कैसे किया था मेकर्स ने। सो ये बहुत ही वेल डन है, मतलब आँखों के एनिमेशन तक, अंदर तक वो, दैट इज़ लाइक अमेजिंग। बट एनी वे, यही था शक्तिमान VFX ब्रेकडाउन। मुझे तो करके बहुत मज़ा आया, और अगर आप लोग को भी उतना ही मज़ा आया जितना मुझे ये ब्रेकडाउन करके मज़ा आया, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कॉमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टाइम मैं किसका ब्रेकडाउन करूँ, कैप्टन व्योम है, आर्यमान है, वैसे बहुत सारे पुराने सीरियल्स हैं जिनका मैं ऑब्वियसली ब्रेकडाउन, अगर मुझे YouTube में मिला एपिसोड्स तो मैं कर सकता हूँ। एंड भीष्म इंटरनेशनल, मुकेश खन्ना जी, प्लीज़ कॉपीराइट क्लेम मत कीजिएगा। मैंने ट्राई किया एक बार अपलोड करके, मैंने रखा वो एपिसोड आई थिंक 2-3 दिन तक, अभी तक तो मुझे कॉपीराइट आया नहीं है। आई एम ए बिग फैन, प्लीज़ मुझे कॉपीराइट मत दीजिएगा। एंड द सॉन्ग यू हर्ड नो इन द इंट्रो, जो इतना क्लासिक मतलब सॉन्ग बना था, दैट वाज फ्रॉम मेघधनुष, एक बैंड है मेघधनुष, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, वो लोग बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाते हैं, एंड दिस गाइज आर सो नाइस। मैंने उनको बस पूछा कि कैन आई यूज़ दैट सॉन्ग ऑफ योर्स, तो दे जस्ट एग्रीड। तो मैंने इतना मतलब ट्राई किया एक इंट्रो बनाने का शक्तिमान का विद दैट सॉन्ग। अगर आप लोग नए हो इस चैनल में और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप लोग पहले से मेरा वीडियो देखते हो, देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद समवन जिनको आपको लगता है कि शक्तिमान का फैन है या फिर शक्तिमान का VFX ब्रेकडाउन लोगों को अच्छा लगेगा, तो एक बार शेयर कर दीजिए। एंड विद दैट नोट, दिस इज इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अदम्य साहस की परिभाषा है।